हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग यहाँ पर अपने होम ऑटोमेशन के सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग होम लाइट्स को कंट्रोल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। सो आप लोगों ने अगर अभी तक DTMF वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि DTMF को ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंडली, हम लोग यहाँ पर जो है AC डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आप लोगों का डिजिटल टाइप है, मतलब 0 और 1 देता है। तो इन दोनों को आपस में इंटरफेसिंग करने के लिए हम लोगों को रिले स्विच की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग रिले स्विच को समझ लेते हैं। देखिए, जो रिले होता है वो भी एक स्विच की तरह होता है। आप लोगों के जो बटन्स होते हैं नॉर्मल, उनकी तरह ही वो होता है। बट आपके जो बटन्स होते हैं वो आप लोग अपने हाथ के थ्रू मैकेनिकली ऑपरेट करते हैं, बट जो रिले होते हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होते हैं, जो कि सर्किट को ऑन और ऑफ करने के काम आते हैं। सिंपल से इसके डेफिनेशन है। अलग अलग टाइप्स के आपके पास रिलेज हो सकते हैं, जैसे आप लोगों का इलेक्ट्रोथर्मल रिले है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, सॉलिड स्टेट रिलेज हो सकते हैं, हाइब्रिड रिले है, आपका पोलराइज्ड रिले है, नॉन पोलराइज्ड रिले है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसकी वेराइटीज आती हैं। तो जो सबसे बेसिक है, जो हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो होते हैं वो आप लोगों के बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट्स पर। यहाँ पर आप लोग इसके डायग्राम को देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी UPS अपने खोल के देखे होंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के रिलेज बहुत यूज़ होते हैं। ओके, स्विचिंग के काम बेसिकली ये आते हैं। और आप लोगों ने अगर खोल के नहीं देखा है तो कभी ये चीज़ तो गौर करके देखी होगी कि आपको कुछ स्विचिंग की आवाज़ आती है UPS से, तो बेसिकली यही चीज़ वहाँ पर स्विच हो रही होती है और इसी की वो साउंड आती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ये हम लोगों का रिले स्विच है। इसमें आप लोगों के 5 टर्मिनल्स होते हैं। देख लेते हैं इन टर्मिनल्स को। सबसे पहले आप लोगों का NO है, दैट इज नॉर्मली ओपन। इसके बाद ये आप लोगों का है NC, दैट इज नॉर्मली क्लोज्ड। और ये दोनों आप लोगों की जो टर्मिनल्स हैं ये कॉइल के लिए हैं, और ये आप लोगों का मूविंग कॉन्टेक्ट है, या इसको आप लोग बेस बोल सकते हैं। तो इंटरनली देख लेते हैं हम लोग ये कैसा दिखता है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हमारा कॉमन है, या जिसको आप लोग बेस बोलते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का एक NO है और ये NC है। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप लोगों का ये नॉर्मल कंडीशन में होगा उस टाइम में आप लोगों का कॉमन और नॉर्मली क्लोज्ड जो है वो दोनों आपस में टच होते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं। ओके, इसके बाद ऊपर आप लोगों का नॉर्मली ओपन है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है। अब इसको क्लोज हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक कॉइल लगी हुई है, ठीक है, और कॉइल से 2 टर्मिनल्स हम लोगों के आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे ही हम लोग इसको एनर्जाइज करेंगे, ओके, मतलब कि अगर मैं एक पॉजिटिव यहाँ पर दे दूं और एक नेगेटिव यहाँ पर दे दूं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होगा। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण यहाँ पर एक करंट आपकी फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने की वजह से आप लोगों का एक फील्ड जनरेट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे ही आप लोगों का देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ है ये ऊपर आएगी, और जैसे ही ऊपर आएगी ये इसको भी पुश करेगी, और ये आप लोगों का इसके साथ टच हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका सर्किट कंप्लीट होगा और ये सर्किट इनकम्प्लीट होगा। तो ये है इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट। सो रिले की स्विचिंग को आप लोग यहाँ पर इस एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आप लोगों का ये ऑफ कंडीशन में है, उस टाइम आप लोगों का जो ये पोल है, या इसको आप बेस बोल सकते हैं या कॉमन बोल सकते हैं, वो आप लोगों का NC के साथ कनेक्ट होता है। और जैसे ही आप लोगों का ये स्विच ऑन करते हैं आप लोग यहाँ पर, या फिर बैटरी आप कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आप लोगों का जो ये पोल है वो NO के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि आप लोग यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आप लोगों का रिले जो है वो उसका रेटिंग क्या है। ओके, अगर आपका 5 वोल्ट रिले होगा तो आप लोग 5 वोल्ट यहाँ पर देंगे, ओके, और एक को नेगेटिव देंगे और सेकंड वाले को आप लोग VCC बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 5 वोल्ट का होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर 5 वोल्ट देना है, अगर ये आपका 12 वोल्ट का है तो आप लोगों ने 12 वोल्ट देना है।
तो यहाँ पर हम लोगों का जो ये वाला रिले है ये 12 वोल्ट का है और इसलिए इसको स्विचिंग करने के लिए हम लोगों ने 12 वोल्ट बैटरी लगानी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे रिले को हम लोग इंटरफेस करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर देखिए, अगर इस रिले को मैं एक बॉक्स के अंदर बंद करूँ तो ये कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा। ओके, ये आप लोगों का बेस है जिसको आप कॉमन भी बोलते हैं या पोल बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों का ये NC है और ये आप लोगों का NO है और ये आप लोगों के कॉइल के दो टर्मिनल्स हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली एक काम यहाँ से कर सकते हैं कि आप इसको ग्राउंड दे दें और इसको आप लोग माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लें। तो होगा क्या, जिस समय यहाँ पर जीरो देगा उस समय आप लोगों का ये स्विच NC में ही रहेगा और जब आप यहाँ पर वन देंगे तो आप लोगों का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और आपका NO के साथ वो स्विच हो जाएगा। बट ये चीज़ जो है वो फिजिबल है सिर्फ 5 वोल्ट तक के रिले के लिए। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज का आप लोगों का रिले होगा तो ये चीज़ आपका काम नहीं करेगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस सर्किटरी को यूज़ करते हैं। और सेकेंडली, आप लोगों के माइक्रो कंट्रोलर को एक बेटर प्रोटेक्शन देने के लिए भी हम लोग इस डायोड को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जहाँ से भी आप लोग कंट्रोल सिग्नल देने वाले होंगे वहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे जो एज अ स्विच काम करेगा। और उसके बाद आप लोग कुछ ऐसे कनेक्शन करेंगे, ये वाला जो टर्मिनल है आप इसको कनेक्ट करेंगे कॉइल के एक टर्मिनल के साथ और कॉइल के जो दूसरी टर्मिनल होगी उसको आप लोग कनेक्ट करेंगे VCC के साथ। अब ये VCC जो है वो कितना ही भी हो सकता है, अगर आपका 12 वोल्ट रिले है तो आपने 12 वोल्ट देना है, 5 है तो 5 देना है, सो ऑन। अब होगा क्या, देखिए यहां पर जिस समय आप लोगों का ये PD7 में 1 आएगा उस टाइम में आप लोगों का ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा तो आप लोगों का ये जो कॉइल है मैग्नेटाइज हो जाएगी और आप लोगों का ये जो स्विच है कुछ इधर आ जाएगा। और ये जैसे ही इधर आएगा यहाँ पर आप लोगों का ये AC सोर्स है और यहाँ पर आप लोगों का ये बल्ब है। तो जैसे ही हमारा ये स्विच इधर आएगा हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर जीरो दूंगा तो जीरो देते ही आप लोगों का ये स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पर ये जो मैग्नेटाइज कॉइल थी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी और अगेन आप लोगों का जो ये स्विच है वो NC वाली पोजीशन में चला जाएगा और आप लोगों का ये सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगा और आप लोगों की जो ये लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ रिले को इंटरफेस करना है। सो देख लेते हैं एक बार हम लोग कैसा एक्चुअल में हमारा रिले जो है दिखता है। तो दो टाइप्स के यहाँ पर रिले मैंने रखे हुए हैं। देखिए ये जो रिले है इसकी स्विचिंग 12 वोल्ट में होती है, मतलब आप लोगों ने अगर इसको स्विच ऑन और ऑफ करना है तो 12 वोल्ट का आपको सिग्नल देना पड़ेगा। और सेकेंडली 7 एम्पीयर 250 VAC के जो अप्लायंसेज होंगे उनके साथ इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस समय आप लोग रिलेज यूज करते हैं आप लोगों ने रेटिंग्स उसकी जरूर देखनी है। ओके, अब सेकेंडली अगर आप लोगों ने इसको इंटरफेस करना है तो आपको इसके पिंस भी देखने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 5 पिंस होती है, मैंने पहले आपको बताया था। तो इसमें जो ये इधर साइड में है 3 पिंस लगी हुई है, इसमें जो मिडिल वन है ये आप लोगों की बेस है या फिर आप इसको कॉमन बोल सकते हैं। और ये जो दो टर्मिनल्स हैं ये आप लोगों के कॉइल्स के टर्मिनल हैं और यहाँ पर जो ये दो हैं साइड में ये आप लोगों की NO और NC है। तो NO और NC आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी टेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए क्या करेंगे आप लोग, ये जो बीच में बेस है यहाँ पर एक मल्टीमीटर का टर्मिनल लगाएंगे और सेकेंडली इन दोनों में आप टच करके देखेंगे और जहाँ पर आप लोगों का कंटिन्यूटी आ रही होगी वो आप लोगों का नॉर्मली क्लोज टर्मिनल होगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए इसको मैं यहाँ पर बेस में लगा देता हूं। और सेकेंडली हम लोग सबसे पहले इसमें लगा के देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों की कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये आपका NO हो सकता है लेकिन हमको कंफर्म करना है इसलिए हम लोग दूसरे टर्मिनल में भी लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मैंने यहां पर लगाया यहां पर एक कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये जो टर्मिनल है आप लोगों का ये NC है और ये आप लोगों का NO है। तो
तो इसके बाद इसमें एक और चीज़ आप लोगों ने करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने इसको इंटरफेस करना है तो मैंने जो सर्किट बताया था वो आपने एक्सटर्नली इसमें लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, मेरे पास ये रिले जो है इसमें सब कुछ पहले से इम्प्लीमेंटेड है, आपको एक्सटर्नली कुछ नहीं करना है। सीधे आप लोगों ने अपना जो माइक्रो कंट्रोलर का सिग्नल है वो यहाँ पर देना है। देखिए, तीन यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, VCC, ग्राउंड और इन। ओके, इनमें आप लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर से इसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल देंगे। VCC, ग्राउंड इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों के यहाँ पर तीन और टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल्स में आप लोगों का एक बेस है, एक NO है और एक NC है। तो बीच वाला जो है वो आप लोगों का बेस है, और NO NC आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर बेस में लगा देता हूँ और फिर चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये आपका NO हो सकता है। अब इसको कन्फर्म करने के लिए हम लोग नीचे वाले में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, कंटिन्यूटी है, मतलब आपका ये वाला NC है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग अपने कनेक्शन यहाँ पर करेंगे। और प्रोग्राम हम लोगों को करना है अपने माइक्रो कंट्रोलर को। मैं यहाँ पर 8 नंबर बटन अगर प्रेस करूँगा तो लाइट जो है वो ऑन होगी, और 9 नंबर बटन प्रेस करूँगा तो लाइट ऑफ होगी। तो देख सकते हैं गाइज, आप लोग यहाँ पर कनेक्शन में सारे कर चुका हूँ। रिले हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है AC सप्लाई के साथ, और यहाँ पर हम लोगों के माइक्रो कंट्रोलर और सारा सेटअप लगा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे मैं 8 और 9 बटन प्रेस करता हूँ, हमारा बल्ब ऑन और ऑफ होगा। ये देखिए, जैसे हमने 8 दबाया वैसे ही ऑन हो चुका है रिले। अब 9 हम दबाते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। अगेन आप 8 दबाते हैं तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।